मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। अर्लियर वी हैव डन वर्कशीट 8, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 10, डेसिमल फ्रैक्शंस। जिस तरह बेटे आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस किया था, सेम ये उसी तरह आपका डेसिमल फ्रैक्शंस है। इसमें भी ऑल डेसिमल फ्रैक्शंस आर लेस देन 1। जैसे सभी फ्रैक्शंस जो है वो 1 से स्मॉल होते हैं, ठीक उसी तरह से डेसिमल फ्रैक्शंस आर आल्सो लेस देन 1। सपोज दिस इज अ स्क्वायर। नाउ आज हम कौन सा डेसिमल फ्रैक्शन करेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ टेंथ्स, टेंथ्स वाले डेसिमल फ्रैक्शन करेंगे। तो नाउ हाउ मेनी लाइंस आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दिस स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, बिकॉज डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ टेंथ्स कर रहे हैं, तो 10 पार्ट्स वाला ही मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर हमारा ये देखिए, ये स्क्वायर 10 पार्ट्स में डिवाइड है, अगर हम इसमें 1 पार्ट में शेड कर देते हैं, वी शेड 1 पार्ट ऑफ द स्क्वायर, तो हम इसको डेसिमल में क्या बोलेंगे? 1/10। 1 मींस 1 कलर्ड पार्ट, 1/10। 10th मींस टोटल पार्ट, 10 हाउ मेनी टोटल पार्ट्स? 10। तो 1/10 ऑफ द रेक्टेंगल और या 1/10 ऑफ द स्क्वायर इज कलर्ड। हम क्या बोलेंगे? 1/10 ऑफ द स्क्वायर इज कलर्ड। और इसको फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे? 1/10। 1/10 को कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन में? दिस इज 1/10 इन वर्ड्स एंड दिस इज इन फ्रैक्शन। 1/10 मींस 1/10। सो 1/10 ऑफ द होल इज कलर्ड, यानी होल का जो है 1/10 पार्ट जो है वो हमारा कलर्ड है, बिकॉज टोटल पार्ट्स आर 10 एंड कलर्ड पार्ट इज ओनली 1। सो वी राइट डाउन 1/10। सपोज वी कलर इन 2 पार्ट्स, देन वी राइट डाउन 2/10। क्या लिखेंगे हम? 2/10। और यहां पर 1/10 की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? 2/10। इट मींस 2/10 ऑफ द होल इज कलर्ड, यानी होल में से 2/10 जो है वो हमारा कलर्ड पोर्शन है। जितने भी आपके इसमें फिगर्स आएंगे, ऑल फिगर्स आर इन होल, इट इज डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट्स। तो आपका जो शेडेड पार्ट है, कलर्ड पार्ट है, दैट इज द न्यूमिरेटर एंड द टोटल पार्ट इज द डिनोमिनेटर। सो हम इसको इस तरह से बेटे करेंगे। और अब हम इसको 2/10 को डेसिमल में कैसे लिखेंगे? सो लुक हियर, व्हेन वी चेंज द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, सो देखिए 2/10 मींस, अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी राइट डाउन 2 लिख लिया। अब देखिए हाउ मेनी जीरो इन 10? सिंगल नंबर, सिंगल जीरो। सो दिस इज 2 इज ऑल्सो सिंगल नंबर। अब जब हम 0.2, आपका इसका डेसिमल क्या आएगा? 0.2। ध्यान रखिए, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, कभी भी हम कोई भी नंबर अगर उसको हम डेसिमल में लिख रहे हैं, वो नंबर कभी भी सिंगल नहीं लिखा जाता इस तरह से। और डेसिमल से पहले हम हमेशा जीरो पुट करते हैं, वी पुट जीरो बिफोर द डेसिमल। 0.2 हम नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 0.2। अगर 3/10 है तो हम लिखेंगे 0.3। 4/10 है तो हम लिखेंगे 0.4। यानी डेसिमल से पहले हम जीरो पुट करेंगे, और सिंगल 10 मीन्स सिंगल नंबर, सिंगल जीरो, तो सिंगल 2 से पहले डायरेक्ट। अगर यहाँ पर इसके बाद हम आपको डेसिमल फ्रैक्शंस ऑफ 100th वाला बताएंगे, अभी 10th वाला बताएं। अब देखिए ये इसको हमने वर्ड्स में लिखा है, यहाँ पर हमने फ्रैक्शन में लिखा है, एंड दिस इज इन डेसिमल फॉर्म। ये तीनों फॉर्म में हमने लिख दिया है। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 10A। सो स्टार्ट, दिस इज फॉर योर, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करा है कि हाउ वी डू दिस एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10A, राइट डाउन डेट एंड एक्सरसाइज नंबर, चैप्टर नंबर ऑन योर नोटबुक। एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 10A, राइट द शेडेड पार्ट ऑफ द शेप। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन Write the
shaded part. Of the shape both as a fraction and both as a fraction and as a decimal fraction, as a decimal fraction. Now, we draw a circle. Students, write down question number 1. Write the shaded part of the shape both as a fraction and as a decimal fraction. हमें क्या करना है, shaded part जो है उसका हमें दोनों में लिखना है, उसको fraction में भी और decimal fraction दोनों में हम इसको show करना है. तो देखिए, how many parts are shaded? There are total 10 parts. देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 5 ऊपर है हमारे, तो 5 + 5, 10 total parts हो गए. ये शेडेड पार्ट जिनमें मैं लाइनिंग कर रही हूँ, दैट इज द शेडिंग पार्ट. सब में शेड है. लुक एट द बुक. बुक में आप देखिए एक्सरसाइज. नाउ हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड? 9 पार्ट्स आर शेडेड. तो टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे? 10. एंड कलर्ड पार्ट्स आर 9. सो वी राइट डाउन फ्रैक्शन 9/10. 9 पार्ट्स आर कलर्ड एंड टोटल पार्ट्स आर 10. अब इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 10 है, 9 लिखकर 9 राइट डेसिमल पॉइंट एंड पुट 0 बिफोर द डेसिमल, 0.9. इसी तरह से सम नंबर बी, सी और डी, ये आप होमवर्क में खुद करेंगे. यू डू योर सेल्फ. बिल्कुल ऐसे करना है. कलर्ड पार्ट जो है, कलर्ड पार्ट ऊपर आएगा. ड्रॉ द फिगर वेरी नीट एंड क्लीन. शेडेड जो भी करेंगे हम, यूज लाइट कलर्स फॉर शेडिंग. सो राइट डाउन द फ्रैक्शन एंड देन डेसिमल फ्रैक्शन. शेडेड पार्ट जो है न्यूमरेटर एंड टोटल पार्ट इज डिनोमिनेटर. इफ द इफ देयर इज 9/10, 9/10 मींस 0.9. सो सम नंबर बी, सी एंड डी इज योर होमवर्क. नो बेटे, ये एग्जाम्पल है. दिस इज नॉट सम नंबर ए, दिस इज एग्जाम्पल. सो सम नंबर ए, बी एंड सी इज योर होमवर्क. सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1. सो स्टूडेंट्स, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फ्रैक्शन एज डेसिमल फ्रैक्शन. अब हमें इस फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है? वी चेंज दिस फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन. जैसे मैंने आपको क्वेश्चन 1 में एक्सप्लेन किया था, दीज आर द फ्रैक्शंस. अब इनको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? 5/10 मींस 0.5. 3/10 मींस 0.3. बस आपको 10 है तो सिंगल जीरो यूज करना है यहां पर, और उसके बाद डेसिमल, देन उसी नंबर को हम उसके पास ले देंगे. तो 10 की प्लेस पर जो है यहाँ पर 3 हो गया. 3 कभी भी 3 से पहले जब हमने डेसिमल लगाया, और डेसिमल से पहले हम 0 पुट कर देंगे. कभी भी 0.3 हम नहीं लिखेंगे. ऑलवेज यूज 0 बिफोर डेसिमल. तो क्वेश्चन 2 में आपको मैंने 2 सम्स एक्सप्लेन करे हैं. सम नंबर सी, डी, ई आपका होमवर्क है. और इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका? डेसिमल फ्रैक्शंस, चेंज डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू फ्रैक्शन. तो आपका इस तरह से क्वेश्चन लिखे हुए 0.3. तो सो चेंज डेसिमल फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन, 0.3 मींस 3/10. सो 0.2 मींस 2/10. 0.9 मींस 9/10. सो स्टूडेंट्स, डू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2
एंड डू क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो इन होमवर्क. सो स्टूडेंट्स योर होमवर्क इज सम नंबर ए बी सी ऑफ क्वेश्चन 1 एंड सम नंबर सी डी ई एफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज योर होमवर्क एंड डू योर होमवर्क विद नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग इन योर कॉपी. बहुत अच्छे से करेंगे. इट इज वेरी इजी एक्सरसाइज. सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.